Assalamu alaikum to all my dear students of SGMES Boys English Medium Primary School. How are you all my dear students? It's our max lecture and we are learning lesson number 5, that's numbers 10 to 99. Now in the last lecture, humne kya kiya tha beta? We have learned what is the tens and how tens comes and we have filled this blanks, right? Yahan pe 10 numbers mein likhna hai, then we have to write in spellings. We have done this and we have learned 1 10. मीन्स अगर एक हमने यहाँ पे पर्ल्स के बंच बनाए थे 10, ठीक है. इसको मैंने कहा था कि अगर आपको इससे कंसिडरेशन में अगर कन्फ्यूजन है सो आप वी आर कंसिडर 10 का जो एक कॉइन है हम इसे एक 1 10 कंसिडर करेंगे, फिर 1 रुपी के एक कॉइन को हम 1 कंसिडर करेंगे. ओके, सो 10 रुपीज़ का 1 कॉइन प्लस 1 रुपीज़ का 1 कॉइन मिल के बन जाएगा 11. सेम वे वी हैव डन 1 रुपीज़ का 1 कॉइन और 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स बिकम 12. सो यहाँ तक का हमने जो है हमारा नंबर 19 तक का फिनिश किया था. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, इट्स दैट वी हैव टू ग्रुपिंग इन टेंस. सी हियर, सम पोमोग्रेनेट्स आर गिवन ओवर हियर, ठीक है. फर्स्ट वी विल काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, सो इट्स द टोटल नंबर ऑफ पोमोग्रेनेट्स इज 12. सो वी विल ग्रुप ओनली 10, जो 10 है हम 10 का बंच बनाएंगे. ओके, सो 10 के कितने बंच बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 12 है तो 10 10 का एक ही बंच है, प्लस 1s के कितने हैं यहाँ पे 2 है. ओके, सो 10 1s प्लस 10 1 है प्लस 1s के 2, इट्स बिकम 12. सो मेक ग्रुप्स ऑफ 10 एंड राइट द नंबर्स. हमें यहाँ पे 10 के ग्रुप्स बनाने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट, वी स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. ओके, सो फर्स्ट राइट 18 ओवर हियर, देन मेक अ ग्रुप ऑफ 10, 1 2 3 4 5 6, स्टार्ट काउंटिंग अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो मेक अ बंच ऑफ 10 एप्पल्स, तो हाउ मेनी आर रिमेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो टेंस का हमारा एक ग्रुप है और वंस हमारे 8. सो यहाँ विल राइट 1 एंड यहाँ विल राइट 8. सेम वे यू हैव टू सॉल्व दिस ऑरेंजेस एंड दिस बॉल्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इट्स काउंटिंग इन टेंस. ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक बंच में 10 फ्लावर्स है, सो 1 10 इज 1. अब अगर हमारे पास 10 के 2 बंचेस हो जाए सो इट विल बिकम 20. ठीक है, 2 10s आर 20. Same way there are 3 bunches and each bunch is having 10 flowers. So 3 tens are 30. Same way moving to the next is, there are the bunches of 10 flowers and there are 4 bunches. 1, 2, 3, 4. So 4 tens are 40. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bunches of 10 flowers are 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 tens are of 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tens are 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tens are 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tens are 90. See, here we are having a bunches of 10 flowers. हमने 10 flowers को लेके एक bunch बनाया है. यू कैन कंसिडर अ 10 रुपीज कॉइन, जो हमारे पास 10 रुपये का कॉइन है उसे भी कंसिडर कर सकते हो. जैसे यहाँ पे फ्लावर की जगह एक 10 रुपये का कॉइन है, एक हो गया. अगर 10 10 रुपीज के 2 कॉइन है तो 20 हो गए. 10 10 रुपीज के 3 कॉइन्स है तो 30. 10 10 रुपीज के 4 कॉइन्स एट बिकम्स 40. 10 रुपीज 5 कॉइन्स बिकम 50. 10 रुपीज 6 कॉइन्स बिकम 60. 10 रुपीज 7 कॉइन्स बिकम 70. 10 रुपीज 8 कॉइन्स बिकम 80. एंड 10 रुपीज 9 कॉइन्स बिकम 90. सो हियर स्टूडेंट्स, यू जस्ट हैव टू draw these things in your notebook as well as in your textbook. You have to finish. ये आपको टेक्स्ट बुक्स में भी कम्प्लीट करना है. सेम वे यू हैव टू फिनिश दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. यू कैन ड्रॉ एनी शेप और एनी फ्रूट एज यू आर कम्फर्टेबल. कोई भी आप शेप ड्रॉ कर लो, कोई भी फ्रूट ड्रॉ कर लो, आपको जो भी कम्फर्टेबल. इफ यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ द एप्पल्स और पोमोग्रेनेट, यू कैन ड्रॉ सर्कल्स, यू कैन ड्रॉ बॉल, बैट, स्क्वेयर्स, विच एवर शेप यू आर एबल टू कम्फर्टेबल. एंड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन ड्रॉ अ सर्कल. सी दिस इज ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ, बट नो नीड टू ड्रॉ द बंच ऑफ फ्लावर्स. आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए. ओके, देन उस पर जो है आप अंदर सिर्फ 10 लिख दीजिए, जैसे हमारा 10 रुपी का कॉइन होता है, सेम वे. ओके,
सो दीज बोथ क्वेश्चन शुड बी डन इन द नोटबुक एज वेल एज टेक्स्ट बुक. ये आपको टेक्स्ट बुक में भी कम्प्लीट करना है एंड नोटबुक में भी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी डन इन द नोटबुक ऑल्सो. यू कैन ड्रॉ अ 10 rupees क्वाइन फॉर दैट. और इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन प्लीज डायरेक्टली डोंट कॉल मी. ठीक है, यहाँ थोड़ा टेक्निकल नेटवर्क इशू है, सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आई विल रिस्पॉन्स यू. सो सब्सक्राइब टू अवर स्कूल चैनल्स, लाइक माई वीडियोज. इन इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, सो इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एंड क्वेरी डायरेक्ट डोंट कॉल मी डायरेक्टली. आई जो एरिया में मैं हूँ यहाँ पे फिलहाल, वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, सो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए. ओके, सो ये आज हमारा लेक्चर फिनिश हो गया है. ओके स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. ये आपको टेक्स्ट बुक में भी करना है और नोटबुक में भी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है सिर्फ आपको 10 rupees के कॉइन ड्रॉ करके नोटबुक में करना है. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.